प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सौभाग्य योजना की शुरुआत करते हुए सपना देखा था कि गरीब असहाय जनता को लाइट की सुविधा मिल सके और बिजली के मीटर फ्री देकर राहत देने की सोची थी, लेकिन उसी सौभाग्य योजना में लाइनमैन शत्रुघ्न उर्फ सोनू ने जमकर मासूम जनता को लूट लिया। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब विद्युत विभाग की टीम मंगलवार की दोपहर मालधन क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही बिजली चोरी को रोकने के लिए निकली थी। जब विद्युत की टीम ने वजीर अली के घर में छापेमारी की तो ग्रामीण ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में मानदन में कार्यरत रहे शत्रुघ्न उर्फ सोनू लाइनमैन ने लोगों से सौभाग्य योजना के तहत लगी लाइन और मीटर के नाम पे गुमराह करते हुए मोटी रकम आम जनता से वसूल की और बिजली के मीटर भी नहीं लगाए। जनता ने पूर्व में मालधन में रहे लाइनमैन शत्रुघ्न उर्फ सोनू पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही शत्रुघ्न और सोनू लाइनमैन पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर सोनू पर जांच नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। ग्राम प्रधान अलीन राज ने बताया कि वजीर अली ने शत्रुघ्न और सोनू को उनके सामने ही लगभग 3,000 रुपये सौभाग्य योजना के मीटर लगाने के लिए दिए थे, लेकिन आज तक कोई भी बिजली मीटर नहीं लगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल कांडपाल ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि शत्रुघ्न ने जो पैसा बिजली मीटर और लाइन लगाने के नाम पर लिया था वो आज तक नहीं लगी है। अगर शत्रुघ्न पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। पैसे भी दिए उसे मेट्रो के लिए, कागज पत्र सब मांगे उसने और हमने 20,000 रुपए अपने घर पे दिए, 10,000 नंबर 2 बंदे में दिए और 5,000 हेडिंग के अंदर दिए। अच्छा, तो इसमें ये पैसा किसको दिया है आपने? सोनू लाइनमैन। अच्छा, तो ये किसका कोई साक्ष्य है जिसके सामने आपने पैसा दिया हो? एक ग्राम प्रधान है इस मौके में और एक बीटीसी मेंबर है, उन्हें भी मालूम करा, हमने कहा पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पैसा दे दो। हमने बोला कि यहाँ पर कनेक्शन नहीं लगे पड़े, तो मैंने फिर उसके बाद जैसे आपको पूरे विस्तार रूप से बताया कि इसमें कैसे कैसे क्या हुआ, इनके साथ छल किया गया है। सोनू लाइनमैन थे, इससे पूर्व उनने इन लोगों से 20 से 30 हजार रुपए करीब लिए इनसे और मेरे समक्ष लिए और इनसे कहा कि सौभाग्य के अंतर्गत आपके मैं मीटर लगवाऊंगा और जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आज यहाँ पर पता लग रहा है कि मुझे इन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। अगर इस समय अगर कार्रवाई की गई तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करूंगा कानून से, ये सोनू पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आपकी हिंदू बस्ती और यहाँ पर पूर्व में एक 5 किलोवाट का मीटर लगाया है जो बचे रही के नाम पे था उस, और कई 4-5 परिवार और रहते हैं जिनके इन लोगों ने जो हमारे पूर्व में यहाँ पर लाइनमैन थे शत्रुघ्न सोनू भाई, उनको पेमेंट पूरी दी गई थी 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए सब लोगों को, और अपने डॉक्यूमेंट भी इनने हमारे सामने उनको जमा करे थे, हमने खुद जमा करवाए थे। लेकिन आज भी ये दुर्भाग्य है कि इन लोगों के मीटर नहीं लग पाए और आज इन्हीं लोगों के बिजली विभाग द्वारा चालान कटे जा रहे हैं जो निंदनीय कार्य है। इसके लिए हमको आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, हम आंदोलन भी करेंगे और बिजली घर को बंद भी करना पड़े, ताला भी लगाना पड़े, हम ताला लगाएंगे। लेकिन हमारे लोगों के चाहिए आज जो चालान कटे गए ये बहुत गलत बात है, बिजली विभाग की गलती है, इनके लाइनमैन की गलती है, वो पैसा कौन खा गया इसकी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बननी चाहिए। आपने देखिए, मुझे अभी इन्होंने बताया जो मैं चेकिंग करना है तो मेरे संज्ञान में था नहीं ऐसा कुछ कि इन्होंने कुछ पैसे दिए थे उसे या उसको इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, हो सकता है दिए हों ना दिए हों, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इनके द्वारा यही बताया गया है कि जब वो यहाँ पे था अब तो वो यहाँ पे है नहीं, वो उनका ट्रांसफर हो चुका है 1-1.5 साल, तो जिस टाइम ये थे यहाँ पे शत्रुघ्न तो उस टाइम सौभाग्य योजना चल रही थी, उसी दौरान बता रहे हैं ये कि इन्होंने जो है उनको पैसे दिए थे यहाँ के कनेक्शन के लिए, करीब बता रहे हैं 7-8 कनेक्शन के साथ फाइल की थी।